बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान के एडमिशन स्प्रिंग 2024 के रिलेटेड है। बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान में एडमिशन स्प्रिंग 2024 जो स्टार्ट हो चुके हैं। सबसे पहले तमाम स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको तमाम एडमिशन, जॉब्स और स्कॉलरशिप की अपडेट जो है मिलती रहे। इसके अलावा हमने स्टूडेंट्स के लिए ऑनलाइन अप्लाई की सर्विसेज जो हैं वो भी स्टार्ट की हैं। आप घर बैठे कॉल या मैसेज के थ्रू हमसे अप्लाई करवा सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करवाने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 03186845766 पर हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एडमिशन की बात करें तो बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान में अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स, BS फिफ्थ सेमेस्टर, MPhil प्रोग्राम्स, PhD और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमास वन ईयर प्रोग्राम में जो है वो एडमिशन ओपन हो चुके हैं। एडमिशन के लिए अप्लाई करने की लास्ट डेट 12 जनवरी 2024 है। एडमिशन के लिए अप्लाई करने के लिए अपने सबसे पहले बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान की जो मेन वेबसाइट है इसे ओपन करेंगे। वेबसाइट ओपन करने के बाद इधर आपको ऑप्शन शो है एडमिशन का, अप्लाई ऑनलाइन के ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान का जो एडमिशन पोर्टल जो है वो ओपन हो जाएगा। इधर आपको ऑप्शन शो हो रहा है क्लिक हियर टू एक्सेस एडमिशन सिस्टम, इस ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद सबसे पहले अपने अकाउंट से अपना वो एडमिशन पोर्टल पे क्रिएट करना है। अप्लाई नाउ न्यू यूजर के ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक करेंगे। सबसे पहले अपने प्रोग्राम जो है अपना वो सिलेक्ट करना है, आप कौन से प्रोग्राम में एडमिशन के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स, BS फिफ्थ सेमेस्टर, MPhil प्रोग्राम्स, EHD प्रोग्राम्स, आप जिस प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाह रहे हैं अपने उस प्रोग्राम को सिलेक्ट करना है और नेक्स्ट के ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद अपने एडमिशन फॉर्म जो है अपना वो फिलअप करना है। सबसे पहले CNIC नंबर जो है अपने वो इंटर करना है। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ अपने इंटर करनी है। सबसे पहले अपने डे सिलेक्ट करना है, इसके बाद मंथ, फिर ईयर जो है अपने वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद अपने फुल नेम जो अपना वो इंटर करेंगे। इसके बाद फादर नेम अपने इंटर करना है। इसके बाद जेंडर अपने सेलेक्ट करना है। इसके बाद नेशनलिटी अपने आपने सेलेक्ट करनी है। इसके बाद अपने प्रोविंस का नेम जो अपने वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट का नेम जो अपने वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद रिलीजन अपना सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद अपने एड्रेस जो अपना वो इंटर करेंगे। इसके बाद अगर आपका PTCL नंबर है तो आपने वो इंटर करना है। इसके बाद सेल फोन नंबर जो अपने वो इंटर करना है फादर का। इसके बाद अपना सेल फोन नंबर आपने इंटर करना है। इसके बाद ईमेल एड्रेस इंटर करेंगे। इसके बाद अपने प्लेस ऑफ स्टे ड्यूरिंग स्टडी जो अपना वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद अगर आपने हिफ्ज़े कुरान किया तो यस के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे, अदरवाइज नो के ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद अपने ब्लू बैकग्राउंड में पासपोर्ट साइज पिक्चर जो अपनी वो अपलोड करनी है। इसके बाद इन केस ऑफ एमरजेंसी यूनिवर्सिटी जिस पर्सन के साथ कॉन्टैक्ट करेगी अपने उस पर्सन का नेम जो है अपने वो इंटर करना है। इसके बाद एड्रेस उस पर्सन का अपने इंटर करना है, मोबाइल नंबर आपने इंटर करना है। इसके बाद एकेडमिक इन्फॉर्मेशन जो अपने वो इंटर करनी है। सबसे पहले मैट्रिक की इन्फॉर्मेशन जो अपने वो इंटर करनी है। सबसे पहले डिग्री जो अपने वो सिलेक्ट करनी है, मैट्रिक किया या ओ लेवल किया अपने वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद बोर्ड का नेम जो अपने वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद मैट्रिक का पासिंग ईयर जो अपने वो इंटर करना है, रोल नंबर इंटर करेंगे, टोटल मार्क्स आपने इंटर करने हैं, ऑब्टेंड मार्क्स इंटर करेंगे। इसके बाद डिवीजन आपने सेलेक्ट करनी है। इसके बाद ग्रेड जो अपने वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद इसी तरह अपने FSC की इन्फॉर्मेशन जो अपनी वो इंटर करनी है। सबसे पहले डिग्री जो अपने वो सिलेक्ट करनी है, डिप्लोमा की है, FSC प्री मेडिकल की है, प्री इंजीनियरिंग की है, FSC जनरल साइंस में की है, कंप्यूटर साइंस में की है, ICS की है, अपने वो सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद अपने बोर्ड का नेम जो है वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद अपने एग्जाम सेशन जो अपना वो सिलेक्ट करना है, एनुअल एग्जाम्स में आपने क्लियर किया है FSC या सप्ली एग्जाम्स में क्लियर किया है वो सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद पासिंग ईयर आपने इंटर करना है। इसके बाद रोल नंबर आपने इंटर करना है, टोटल मार्क्स इंटर करेंगे, ऑब्टेंड मार्क्स इंटर करेंगे, डिवीजन आपने सेलेक्ट करनी है। इसके बाद ग्रेड आपने सेलेक्ट करना है। इसके बाद अपने इलेक्टिव सब्जेक्ट्स जो अपने वो सिलेक्ट करने हैं, इलेक्टिव सब्जेक्ट्स के टोटल मार्क्स इंटर करने हैं, ऑब्टेंड मार्क्स जो अपने वो इंटर करने हैं। इन केस अगर आपने ECAT टेस्ट जो है वो दिया हुआ है तो उसकी इन्फॉर्मेशन जो अपने वो इंटर करनी है और सेव एप्लीकेशन के ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक करेंगे। सेव एप्लीकेशन के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद अपने कैंपस जो अपना वो सिलेक्ट करना है, आप कौन से कैंपस में एडमिशन के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल मेन कैंपस सिलेक्ट करता हूँ। इसके बाद अपने नीचे प्रोग्राम्स को जो है अपने वो सिलेक्ट करना है, कौन से प्रोग्राम में आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल इधर आपको ऑप्शन शो रहा है डिपार्टमेंट ऑफ एग्री बिजनेस एंड मार्केटिंग, इस प्रोग्राम में अगर आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो आप इसे सिलेक्ट करेंगे। ओपन मेरिट की बेस के ऊपर अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपने वो सिलेक्ट करना है और इधर नीचे आपको ऑप्शन शो रहा है अप्लाई नाउ का, अप्लाई नाउ के ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपका प्रोग्राम जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा। प्रोग्राम जो है वो सिलेक्ट करने के बाद इधर आपको ऑप्शन शो हो रहा है क्लिक हियर टू फिनिश अप्लाइंग, इस ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक करेंगे और ओके के ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक करेंगे। प्रोग्राम्स जो है सिलेक्ट करने के बाद इधर आपको ऑप्शन शो हो रहा है अगर आप एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फीस जो है अल्फ़ला बैंक में पे करना चाह रहे हैं तो इधर आपको ऑप्शन शो हो रहा है अल्फ़ला चलान, इस ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने बैंक अल्फ़ला का जो है फी वाउचर वो शो हो जाएगा। इसी तरह HBL का चलान आपको शो हो रहा है, UBL का चलान जो है वो भी शो हो रहा है, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में भी आप फीस सबमिट करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल HBL चलान के ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपका फी वाउचर जो है वो आपके सामने शो हो जाएगा, जो कि बेसिकली 1500 रुपीज का। एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फीस जो है वो सबमिट करवाने के बाद इधर आपको ऑप्शन शो हो रहा है अपलोड चलान का, इस ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक करेंगे, अपने पेड चलान की डिटेल्स जो है अपने वो एंटर करनी है। सबसे पहले बैंक जो है अपने वो सिलेक्ट करना है, आपने कौन से बैंक में अपनी फीस जो है वो सबमिट करवाई है, UBL में करवाई
करवाई है, अल्फला बैंक में करवाई है, एचबीएल में करवाई है, नेशनल बैंक में करवाई है, आपने वो सिलेक्ट करना है। बैंक सेलेक्ट करने के बाद डिपॉजिट डेट जो है आपने वो इंटर करनी है, सबसे पहले ईयर, फिर मंथ, फिर डेट जो है आपने वो इंटर करना है। इसके बाद डिपॉजिट अमाउंट जो है आपने वो इधर इंटर करनी है, और पेड चालान की पिक्चर जो है आपने वो अपलोड करनी है। अपलोड चालान के ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक करेंगे, पेड चालान की पिक्चर जो है वो अपलोड करने के बाद आपकी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट हो जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फॉर मोर इन्फॉर्मेशन काइंडली सब्सक्राइब अवर चैनल।